नमस्कार दोस्तों, लाइट स्क्वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र सिंह। एक और नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहे हैं। ये है जीएम का 9+1 टावर स्ट्रिप। 9+1 में देखेंगे कि कितने सॉकेट्स हैं इसके अंदर। 9+1 का मतलब हुआ एक स्विच और 9 सॉकेट्स के साथ में आता है। क्या इसकी प्राइस है और अगर कोई वारंटी आती है कि नहीं आती, वायर कितना है और 9+1 में यानी एक स्विच के साथ में जो 9 सॉकेट मिल रहे हैं वो किस किस तरीके के, यूएसबी चार्जिंग से लेके और क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, सॉकेट किस टाइप के हैं, नेशनल सॉकेट है या इंटरनेशनल सॉकेट है, ये सारी चीज़ें जानते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके। सबसे पहले दोस्तों इस प्रोडक्ट का बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। क्यूबा इसके मॉडल का नेम है। 9+1 पावर स्ट्रिप इसका नाम है, मतलब 9 सॉकेट्स हो गए, एक स्विच हो गया एंड ये यूएसबी चार्जिंग। फायर प्रूफ इसकी बॉडी है और क्वालिटी एश्योरेंस है, सेफ्टी शटर्स हैं, 1.8 मीटर की कॉर्ड है। इस टाइप का कुछ ये देखने में, ये तो अभी हम अनबॉक्सिंग करके देख ही लेंगे। और क्या क्या है इसमें, ये हैंडल है, ये जो है फॉस्फर कॉपर कंपोनेंट्स हैं, सेफ्टी शटर्स है, फायर प्रूफ मटेरियल है, यूएसबी इंटरपोलेशन है, ओवरलोड की भी है इसमें और मास्टर स्विच भी है इंडिकेटर लाइट के साथ। और अगर हम देखें तो इसका जो इनपुट है मैक्सिमम वो 10 एम्पियर्स है, 250 वोल्ट्स रेटेड पावर, यानी करीब इस पे 2500 वाट तक का मैक्सिमम लोड दे सकते हैं इन 9 आइटम्स के साथ में हम जो। और इसका जो यूएसबी आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 3.1 एम्पियर, यानी ये जो है डिवाइसेस को भी फास्ट चार्ज करने वाला है। और अगर यहाँ देखें, जेनरिक नेम इसका पावर स्ट्रिप है और आइटम नेम क्यूबा टावर 9+1 पावर स्ट्रिप है। आइटम कोड ये है इसका GM3280। और अगर हम MRP की बात करें तो इसकी MRP 1699 रुपये है, जो ये करीब मार्केट में 1500 रुपये की एक एवरेज प्राइस के बीच में जो है अवेलेबल हो जाता है। करंट प्राइसिंग आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके नीचे मास्टर स्विच में 8 इंटरनेशनल सॉकेट और इंडिकेटर हैं, सेफ्टी शटर के साथ में 3 सेफ्टी शटर भी है, मास्टर स्विच है, 8 इंटरनेशनल सॉकेट हैं, इंडिकेटर है और 3 USB हैं 3.1 एम्पियर के और E 1.8 मीटर की इसकी कॉर्ड है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ इस बॉक्स का, डिज़ाइन बहुत प्यारा है और किन किन डिवाइस के साथ में कंपेटेबल है ये इसमें दिया हुआ है, मोबाइल, आईपैड, आईपॉड और ये PSP, GPS कैमरा और लैपटॉप, प्रिंटर, सारी चीज़ें, मतलब करीब करीब जो है 6 डिवाइसेस जो है एक साथ इसमें चला सकते हैं। और चलो तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ये है दोस्तों वो प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें दो दो सॉकेट यानी चारों साइड में जो है इसके दो दो सॉकेट करके 8 तो सॉकेट हो गए और 3 इसमें यूएसबी के पॉइंट दिए हुए हैं और एक इसमें पावर का ये ऑन ऑफ का स्विच है इसका, मैं इसका यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है और ये इसका हैंडल है इसको उठाने के लिए, कैरी करने के लिए। वायर की क्वालिटी अच्छी है, 3 पिन का टॉप है यानी 6 एम्पियर के छोटे प्लग में लग जाएगा ये। और एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं, वायर 1.8 मीटर है इसकी और ये इसका स्विच है ऑन ऑफ स्विच, जिस समय ये स्विच जो है ऑन होगा उस समय ये ब्लू जलेगा, ये ऑफ करने पे बंद हो जाएगा, ब्लू जलेगा। बाकी ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन है, अगर इस पे आप ज़्यादा लोड देते हैं तो ये जो है इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाएगा। अगर मैं इन सॉकेट्स की बात करूं तो ये इंटरनेशनल सॉकेट्स हैं, इसमें किसी भी तरीके के प्लग जो लग सकते हैं। अगर हम इस प्लग को ये वर्क कर रहा है
और अगर हम इसके यूएसबी सॉकेट को अगर चेक करके देखें तो ये वर्क कर रहा है दोनों ही। और एक बार थोड़ा सा मुझे ये प्लग के साथ में कंफर्टेबल नहीं लगा, मैं दूसरे में देखता हूँ। अगर मैं ये चार्जर आईफोन का है और ये बार बार इसमें से निकल रहा है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इस प्रोडक्ट का इश्यू है या इस चार्जर का। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए मैं एक बार इसमें दूसरा चार्जर जो है लगाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप आईफोन चार्जर है आपके पास में, तो थोड़ा सा ये आपको निराश कर सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मैंने इसको पूरा इंसर्ट कर दिया है, फिर भी ये मुझे ऐसा लग रहा है निकल के अभी गिर जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑटोमेटिक अपने आप नहीं गिर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि या तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ऑटो शटर का कुछ सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि ये जो है आराम से आपको खींचना ना पड़े या ताकत ना लगाना पड़े। लेकिन इतना भी काम कर रहा है, मतलब आराम से काम कर रहा है, ये गिरेगा नहीं। शायद इसमें कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है कि हम इसको थोड़ा सा अपनी ओर जब पुल करेंगे तो ये आराम से बहुत ही इजी वे में निकल आता है। मतलब आपको एक तरीके से ना वो वाली मशक्कत नहीं करनी कि ऐसे करके ना इधर से पकड़ रहे हो इसको और फिर ऐसे करके यूँ खींच के पूरी ताकत लगा रहे हो। अब ये काम कर रहा है, गिर भी नहीं रहा। सभी में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट उस समय हो गया था, गिर रहा है किसी में। मुझे ये इस प्लग के साथ में तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो आइए आप कुछ और प्लग के साथ में इसको चेक करके देख सकते हैं, हो सकता है इसी में कुछ इश्यूज हो, और या हो सकता है इस डिवाइस में भी कुछ इश्यू हो सकते हैं। दोनों चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है, हमें परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आप जिस प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं उस पर ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब इसमें हम दूसरा कॉर्ड चेक करके देख रहे हैं कि मुझे लग रहा है ये इंडियन जितने भी प्लग्स हैं उनके साथ में बड़े आराम से कंफर्टेबल है, और जितने भी वो पता नहीं एप्पल के जो आईफोन के चार्जर के साथ में थोड़ा सा इसका इश्यूज था, उसके जो भी रीज़न रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल इन प्लग्स के लिए, चाहे वो यूपीएस का हो या सीसीटीवी कैमरा का, प्रिंटर वगैरह, इन चीज़ों के लिए लेना चाह रहे हैं, आप आराम से ले सकते हैं। अगर स्पेशली आप आईफोन यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे उसके साथ में इसका जो है कंपेटिबिलिटी सही नहीं लगी, और बाकी प्रोडक्ट की लुकिंग ठीक है। इसकी चार्जिंग का जो 3.1 एम्पियर जो आउटपुट है, वो जो वोल्टेज में वो भी ठीक है, करंट जिससे कि डिवाइसेस जल्दी चार्ज हो सकें, और सेफ्टी के लिए ओवरलोड डिवाइसेस भी है, और 8 सॉकेट एक अच्छा, अगर आप ज़्यादा गैजेट्स रखने का शौक रखते हैं या कुछ चीज़ें ज़्यादा आप चलाते हैं तो आप मतलब इजी वे में इसमें चला सकते हैं। अगर मैं स्पेशली आईफोन के चार्जर की ही बात करूं जिसे हम लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा भी नहीं था कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा डर लग रहा था कि वो जो है ऑटो जो है इजेक्ट ना हो जाए एक तरीके से। बाकी मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो उसने थोड़ा सा मुझे निराश किया, और ओवरऑल प्रोडक्ट सही है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी अगले नए प्रोडक्ट के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि कुछ ऐसे ही नए प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।